ऑलराइट गाइस, सो मार्वल्स की एक मूवी जिसका नाम है ब्लैक विडो, वो रिलीज हो चुकी है। तो अब बारी है ब्लैक विडो की कहानी को जानने की। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक विडो ने आखिर अपनी सोलो मूवी में क्या राज छुपा रखे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है 1995 से। यहाँ पर यंग नताशा रोमानोव और उसकी बहन येलिना, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में है, जिनका नाम है एलेक्सी और मेलिना, ये लोग हंसी खुशी ओहायो में अपने घर पर रह रहे थे। लेकिन एलेक्सी घर पर आता है और वो मेलिना को बताता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जिसका समय अब आ चुका है। और ये अपने घर को तुरंत खाली करके वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पर्सनल प्लेन से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सक्सेसफुली वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। यहाँ पता चलता है कि नताशा और येलिना के पेरेंट्स असलियत में उनके पेरेंट्स नहीं है, बल्कि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। और ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला, जिसका नाम था ट्रिक्यू, जो कि यहाँ से रोमानोव और येलिना को रेड रूम में भेज देते हैं ताकि वो वहां पर अपनी आगे की ट्रेनिंग कर सकें। इसके बाद में हम पहुंच जाते हैं 2016 में। यहां पर एवेंजर्स का सिविल वॉर हो चुका है और रोमानोव के पीछे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं सोकोविया के वायलेशन के लिए। और थ्रेडियस रॉस यहां पर आ जाता है अपनी पूरी टीम लेकर रोमानोव को पकड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ से इन लोगों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद में नताशा पहुंच जाती है नॉर्वे में, जहाँ पर वो रिक से मिलती है। रिक नताशा को जरूरी चीजें उपलब्ध कराता है और वो यहाँ पर एक बॉक्स भी नताशा के लिए छोड़ कर जाता है। इस बॉक्स में एक सीक्रेट ब्रीफकेस भी होता है। वहीं दूसरी ओर येलिना अभी भी रेड रूम के लिए काम कर रही है और वो यहाँ पर बाकी सभी ब्लैक विडोज के साथ में मिलकर एक जगह पर अटैक करती है और यहाँ से भाग रही एक औरत को पकड़ लेती है। लेकिन वो औरत एक सब्सटेंस जिसे रेड डस्ट कहा जाता है, उसे येलिना के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है, जिससे येलिना रेड रूम के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया। और वो उससे वो बॉक्स ले लेती है जिसमें रेड डस्ट के बहुत सारे एंटीडोट्स रखे हुए होते हैं और वो इन सभी एंटीडोट्स को नताशा के पास में भेज देती है। यहाँ नताशा के जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी से फ्यूल्स लेने आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उस पर अटैक हो जाता है और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं होता है टास्क मास्टर, जो कि रोमानोव से फाइट करने लगता है। और बाद में रोमानोव को पता चलता है कि टास्क मास्टर उसके पीछे नहीं, बल्कि वो उस ब्रीफकेस के पीछे है जिसे उसके पास भेजा गया है। और रोमानोव टास्क मास्टर को चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो एंटीडोस को देखती है और उसमें उसकी और उसकी बहन की फोटो होती है, तो वो समझ जाती है कि ये उसके पास किसने भेजा है। रोमानोव यहां से सीधा बुदापेस्ट में पहुंचती है, जहां पर वो अपनी बहन येलिना से मिलती है। लेकिन ये दोनों अभी श्योर नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए खतरा है या नहीं, तो ये आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते इनके बीच में रूस हो जाती है। इसके बाद में येलिना रोमानोव को बताती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और उसका लीडर ट्रिकोव अभी भी जिंदा है। रोमानोव कहती है कि शील्ड ज्वाइन करने के लिए उसका मिशन था कि वो ड्रिव्यू को मार डाले और उसने ड्रिव्यू को और उसकी यंग डॉटर को एक बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करके मार भी डाला था, लेकिन रोमानोव ने कभी उसकी बॉडी नहीं देखी, जिससे ये कंफर्म हो सके कि वो मर चुका है। ये दोनों बात कर ही रही होती हैं, इसी बीच में बाकी ब्लैक विडोज का यहाँ पर अटैक हो जाता है और ये दोनों इन ब्लैक विडो से बचकर बाहर निकलने लगती है। नताशा और एक दूसरी ब्लैक विडो बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें दूसरी ब्लैक विडो बुरी तरीके से घायल हो जाती है, लेकिन रिव्यू उसे मजबूर कर देता है खुद को मारने के लिए और नताशा उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। इसके बाद ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन टास्क मास्टर भी यहां पर आ जाता है और वो भी इन पर हमला करने लगता है। और जैसे तैसे करके रोमानोव और येलिना इन सभी को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। अब दोनों रोमानोव और येलिना के पास में एक नया मिशन आ जाता है। ये मिशन होता है कि ये रेड रूम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगी और ड्रीक्यूब को प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगी। लेकिन इनके इस मिशन के लिए इन्हें रेड रूम का पता लगाना है, जिसके बारे में अभी इन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये रेड रूम का पता एलेक्सी से लगाएंगे। एलेक्सी जो कि इनका
सो कॉल्ड फादर था, और ये दोनों उसे जेल से बाहर निकालने के लिए वहां पहुंच जाती है। जेल के अंदर एलेक्सी अपने किससे यहाँ के दूसरे कैदियों को सुनाता रहता है, और उसे जेल के अंदर ही एक क्लू मिलता है जिसमें एक एयरफोन होता है, और एलेक्सी को पता चल जाता है कि ये दोनों उसे यहाँ से बाहर निकालने आई है। एलेक्सी वहां से बाहर निकलने के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगता है, और नताशा भी यहाँ पर आकर उसे फ्री कराने में लग जाती है, और थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद में ये तीनों वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नताशा एलेक्सी से पूछती है कि उसे रेड रूम के बारे में क्या पता है, लेकिन एलेक्सी कहता है कि उसे भी नहीं पता कि रेड रूम कहाँ पर है, उसे तो जानबूझकर इस जेल में डाल दिया गया था सड़ने के लिए। लेकिन एलेक्सी कहता है कि उससे ज्यादा क्लोज मेलिना थी ट्रेकोफ के, तो उसे जरूर पता होगा कि रेड रूम आखिर में है कहाँ। ये दोनों भी मेलिना का नाम सुन के शॉक हो जाती है कि मेलिना अभी तक जिंदा है। एलेक्सी उसने मेलिना का पता बताता है, लेकिन इनके प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाने के कारण प्लेन इनका नीचे गिर जाता है, और अब ये पैदल ही मेलिना के पास में निकल जाते हैं। एलेक्सी कहता है कि उसे बहुत गर्व है कि उसकी दोनों बेटियां कमाल की किलर से दोनों ने कई लोगों को मारा है, लेकिन यहाँ पे एलेक्सी को कोई भाव नहीं मिलता। अलीना एक फॉर्म हाउस में रह रही है जहाँ पर ये पिक्स का माइंड कंट्रोल करती है। ये सब यहाँ पहुंच जाते हैं और इनकी एक फेक फैमिली फिर से रीयूनाइटेड हो जाती है, और एलेक्सी यहाँ पहुंचकर अपना पुराना सूट वापस पहनने की कोशिश करता है जो कि उसे अब फिट नहीं हो रहा क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उस सूट को आखिर पहन ही लेता है। और ये सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर नताशा इन सब से पूछती है कि रेड रूम के बारे में, और मेलिना बताती है कि कैसे रिक्यूब ने कुछ ऐसे डिवाइस तैयार करे जिनके कारण इंसानों को उनकी फ्री विल से हटकर कंट्रोल किया जा सकता था, और उसने लड़कियों को चूज करा जिसको वो ट्रेनिंग देकर ब्लैक विडो बनाने लगा। वो अपने डिवाइस का यूज अपने पिक पर करके दिखाती है, इस पिक का नाम भी एलेक्सी होता है। वो अपने कंट्रोल से पिक को स्टॉप ब्रीथिंग करने के लिए कहती है, और वो सांस रोक के खड़ा हो जाता है, जिससे इन लोगों को ये पता चलता है कि ये डिवाइस ब्लैक विडो को कितनी बुरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। येलिना यहाँ पर थोड़ी दुखी हो जाती है जब उसे ये पता चलता है कि इनकी फैमिली फेक फैमिली थी, लेकिन वो हमेशा से यही बिलीव करती है कि मेलिना ही उसकी रियल मदर थी और ये लोग ही उसकी सच्ची फैमिली थी, और वो वहां से चली जाती है उदास होकर। एलेक्सी जाकर उससे बात करता है लेकिन वो नहीं सुनती। एलेक्सी यहाँ पर उसे उसका बचपन का फेवरेट सॉन्ग सुनाकर कूल डाउन करने की कोशिश करता है, जो कि काफी हद तक काम करता है। वहीं दूसरी ओर नताशा अपने बचपन की फोटोज देखती रहती है, और इसी बीच में मेलिना उसे बताती है कि इन लोगों के आने से पहले ही उसने रेड रूम में खबर कर दी थी, और जल्दी वहां के एजेंट्स यहां पर पहुंचने वाले ही होंगे। और इन्हीं सब बातों के बीच में रेड रूम के एजेंट्स यहां पर आ जाते हैं। एलेक्सी को बेहोश कर दिया जाता है। येलिना वहां से निकलकर बाहर जाती है तो देखती है कि नताशा भी बेहोश पड़ी है, और पीछे से मेलिना येलिना को भी बेहोश कर देती है और अपने ब्लैक विडो वाले अवतार में आ जाती है। इन सभी को यहां से अब रेड रूम पर लेके जाया जा रहा है, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट है जो आसमान में हमेशा उड़ता रहता है। मेलिना जाकर ड्रिक्यूब से मिलती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन ड्रिक्यूब समझ जाता है कि ये मेलिना नहीं है, और वो उसका मास्क हटा देता है। यहाँ पर रिवील होता है कि मेलिना का भेष बनाकर नताशा ड्रिक्यूब के पास में पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर असली मेलिना एलेक्सी को कैद से बाहर निकालती है, और वो येलिना को भी इंस्ट्रक्शन देती है, जिनको फॉलो करते हुए येलिना भी इन लोगों की कैद से आजाद हो जाती है। यहाँ पर ड्रिकोव नताशा को बताता है कि उन लोगों की वजह से उसने अपना सबसे स्ट्रांगेस्ट वेपन टास्क मास्टर को बना लिया, और वो टास्क मास्टर को रिवील करता है जो की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एंटोनिया, जिसे इन लोगों ने फोर्स करके उसके सर पर एक चिप लगा दी है, और उसी चिप में मौजूद इंस्ट्रक्शन से टास्क मास्टर ट्रिक्यू की हर बात को मानती है। नताशा ट्रिक्यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर पाती है कि ट्रिक्यू के आसपास में एक शील्ड मौजूद है जिसके कारण जितनी भी ब्लैक विडोज हैं वो उसे कभी भी हार्म नहीं कर सकती। और वो यहाँ पर लॉग इन करके रिवील करता है कि दुनिया भर में ना जाने ऐसी कितनी विडोज उसके कंट्रोल में हैं, जो कि उसका हर एक कहना मान रही है। नताशा ड्रिक्यूब को कमजोर बोलकर प्रोवोक करती है, और ड्रिक्यूब उसे
मारने लगता है और ड्रक्यूब से बातों बातों में सारी जानकारी हासिल करने के बाद में वो उसे थैंक्स फॉर कॉपरेशन कहती है। एक्चुअली में मेलिना ने नताशा को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वो ड्रक्यूब को मार नहीं पाएगी, ना ही उस पर अटैक कर पाएगी और उसे रेड रूम के बारे में सभी कुछ पहले ही बता दिया था और उसे ये भी बताया था कि अगर वो अपनी नर्व में बहुत ज्यादा दर्द पैदा कर ले तो उसके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचने बंद हो जाएंगे। और नताशा यही करती है और वो टेबल पर अपनी नाक तोड़ लेती है जिसके कारण वो ड्रक्यूब पर अटैक करने में कामयाब होती है। लेकिन बाकी ब्लैक विडोज यहाँ पर आ जाती है और ड्रक्यूब उन सभी को ऑर्डर दे देता है रोमानोफ का सफाया करने के लिए और ये सभी ब्लैक विडोज नताशा से लड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मेलिना रेड रूम के एयरक्राफ्ट का इंजन डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे ये पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। वहीं एलेक्सी टास्क मास्टर से फाइट कर रहा होता है लेकिन मेलिना यहाँ आ जाती है और टास्क मास्टर को एक केज में ट्रैप कर देती है और ये दोनों यहाँ से निकलकर एक प्लेन में बैठ जाते हैं जिस पर ब्लैक विडोज हमला कर रही होती है लेकिन ये सक्सेसफुली वहां से निकल पाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नताशा की हालत बहुत बुरी कर रखी है। ये ब्लैक विडोज नताशा को मार देने की फिराक में है लेकिन येलिना यहाँ आ जाती है और वो रेड डस्ट को सभी के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है जिसके कारण ये सारी ब्लैक विडो रेड रूम के कंट्रोल से बाहर आ जाती हैं और नताशा को भी छोड़ देती हैं। नताशा ड्रक्यूब के सिस्टम में लॉगिन करके सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेती है और यहाँ से बाहर निकलने वाली होती है तो वो देखती है कि टास्क मास्टर ट्रैप में फंसी हुई है लेकिन नताशा को पता है कि वो अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं है और उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रही है इसलिए वो उसे वहाँ नहीं छोड़ती और वहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि प्लेन क्रैश हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ड्रक्यूब यहाँ से बाहर निकल चुका है लेकिन येलिना और नताशा उसके पीछे पीछे हैं। ड्रक्यूब एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने लगता है लेकिन येलिना उस चॉपर के ऊपर चढ़ जाती है और उस चॉपर को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके कारण ड्रक्यूब ब्लास्ट से मारा जाता है लेकिन येलिना भी नीचे गिरने लगती है। नताशा उसके पीछे कूदती है और येलिना को पकड़कर उसे पैराशूट देकर उसे बचा लेती है और वो जाकर टास्क मास्टर से भिड़ जाती है। अब नताशा और टास्क मास्टर की आपस में फाइट हो रही होती है। इसी फाइट के बीच में नताशा उसका मास्क हटा देती है और रेड डस्ट का यूज करके उसे भी रेड रूम के कंट्रोल से बाहर ले आती है और नताशा येलिना के पास में जाती है और उसे कहती है कि वो भी अपनी फैमिली को कभी फेक नहीं समझी, उसके लिए भी उसकी फैमिली हमेशा से रियल थी और ये दोनों बहनें एक दूसरे को हग करती हैं। मेलिना, एलेक्सी और बाकी की विडोज भी यहाँ पर आ जाती हैं। थ्रेडेसियस रोस भी यहाँ पर पहुंचने वाला होता है। नताशा इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि इन सभी को जाकर बाकी सभी विडोज को रेड रूम के चंगुल से फ्री कराना होगा। येलिना अपनी फेवरेट जैकेट नताशा को दे देती है और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और नताशा यहाँ पर रुक जाती है और रोज की गाड़ियाँ नताशा को अप्रोच कर रही होती हैं। दो हफ्ते बाद हमें रोमानोव फिर दिखती है ब्लॉन्ड हेयर में और यहाँ पर वो मेसन से फिर से मिलती है। मेसन यहाँ पर उसके लिए एक क्वीन जेट का इंतजाम करके रखा रहता है और वो मेसन को थैंक यू बोलकर इस जेट से निकल जाती है अपने फेलो एवेंजर्स को जो सिविल वॉर के बाद में कैद हैं उन्हें आजाद कराने के लिए और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखता है जिसमें येलिना दिखती है जो कि नताशा की ग्रेव के पास में आई है और वो नताशा को ट्रिब्यूट दे रही है उसके सैक्रिफाइस के लिए। लेकिन येलिना के साथ में यहाँ पर वेलेंटिना एलेग्रा डे फोंटेनी जो कि हमें फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखी थी वो भी यहाँ पर है और वो येलिना को एक नया प्रोजेक्ट देती है और येलिना से ये भी कहती है कि येलिना को काफी खुशी होगी उस आदमी से बदला लेने में जिसकी वजह से उसकी बहन की जान गई और वो
आदमी होता है क्लिंट बार्टन, और यहाँ पर ये मूवी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी 2021 में आई ब्लैक विडो की सोलो मूवी ब्लैक विडो, जिसमें हमें ब्लैक विडो की पूरी लाइफ की कहानी तो नहीं दिखाई गई, बल्कि सिविल वॉर के बाद में ब्लैक विडो का क्या हुआ था और उसका क्या मिशन था इस बारे में ही बताया गया। बट मैं होप कर रहा था कि शायद इस मूवी में ब्लैक विडो का पूरा ओरिजिन्स दिखाया जाएगा, लेकिन ये तो सिविल वॉर के बाद की एक झलक ही थी। लेकिन कोई नहीं, कम से कम ब्लैक विडो की मूवी तो आई, जो कि बहुत जरूरी थी उस कैरेक्टर के जस्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर ब्लैक विडो नहीं होती तो शायद एवेंजर्स थैनोस को कभी हरा ही नहीं पाते। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।